हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे और आपके अपने चैनल सेलेक्टर इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, KBS के एग्जाम चल रहे थे और एग्जाम के बाद छात्रों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि भाई कट ऑफ कितने पर जाएगी, कितने पर नहीं जाएगी, इसको लेकर के कन्फ्यूजन होता ही रहता है। तो वो कन्फ्यूजन आज हम आपको दूर कर देंगे। अगर आपका, मान के चलिए, कट ऑफ में अगर आप एंट्री करते हैं, उम्मीद करना ये कट ऑफ बिल्कुल सही ही जाएगी, सटीक कट ऑफ है। जब आपका मतलब फाइनल कट ऑफ निकले तो आप अनुमान लगा लेना, आपको बिल्कुल जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही मिलेगा। तो हम पहले ये दिखाएंगे आपको कि 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, इस बार एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, 2018 और इस बार में चेंज क्या है, अंतर क्या है, ये तो क्लियर होना चाहिए, तभी तो कट ऑफ बनेगी आपकी। तो चलते हैं, क्योंकि कट ऑफ में अगर आप एंट्री होते तो निश्चित रूप से आप इंटरव्यू की और बाय बाय की तैयारी में क्या हो जाइए, लग जाइए। तो देखो, मैं पहले बात करता हूँ, सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा कट ऑफ पर चर्चा करूँगा, उसके बाद में KBS पेपर के लीक होने का, एक लीक होने का विवाद है, ठीक है ना, उस पर बात की जाएगी आपसे कि उससे मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लीक होने की बात ऑफिशियल है अथवा नहीं है, ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए, तब आप मेरिट को क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहले हम 2018 के PRT पे बात करते हैं, और PRT में मैं बता दूं आपको, पेपर 150 मार्क्स का हुआ था। कितने का हुआ था? 150 मार्क्स का हुआ था। तो ध्यान रखना, इसमें जनरल की बात करेंगे, OBC SC ST और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट अलग अलग हम बात करेंगे। अगर मैं जनरल की बात करूं तो रिटन पेपर की जो मेरिट थी साथियों वो 95 मार्क्स थी, वहीं OBC में ये 94 मार्क्स थी और SC में साथियों ये 88 मार्क्स पर गई थी 2018 में। वहीं अगर मैं बात करूं ST की तो ये 79 मार्क्स पर गई थी, और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में अगर हम आपसे बात करें तो साथियों ये 61 मार्क्स पर गई थी। इसी की फाइनल मेरिट की अगर हम बात करें तो जनरल में 68.60, 63.47 ये OBC में गई थी और 61.83 ये SC में गई थी, और साथियों ST में ये 57.33 के करीब गई थी, इससे कम गई थी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में। तो ये 2018 की है। तो अब आप कहेंगे क्या इतना, ये जो मेरिट इतनी कम है, क्या इस बार भी इतनी होगी? हालांकि ये सुना जा रहा है इस बार, सबके अपने अपने लक की बात है, किसी के हाथ में हार्ड पेपर आया है, किसी के हाथ में मतलब कई शिफ्ट में पेपर है, तो किसी के में हार्ड आया है, किसी के में इजी आया है, ठीक है ना। लेकिन इस बार की मेरिट का क्या रोल रहेगा, इस चीज को हम डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि 25, ये सुना जा रहा है कि 25 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में कुछ लोग पेपर को सॉल्व करते हुए पकड़े गए थे, ये बात सर्कुलेट हो रही है। लेकिन इस चीज की कोई भी KBS के पास से ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली, ऑफिशियल जानकारी कोई भी नहीं मिली। तो आप ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक पर कुछ होगा या नहीं होगा। अगर ऑफिशियल तौर पर अब KBC ये घोषित कर देता है कि भाई पेपर लीक में पकड़े गए थे, तो हो सकता है जो रिजल्ट है, आने वाला रिजल्ट कुछ समय के लिए टल जाए। और उसकी, जब आप ये सोच रहे हैं पेपर लीक हुआ है तो हो सकता है इसमें कुछ धांधलेबाजी हो, तो मेरिट हो सकता है ऊपर जाए, ठीक है ना। पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि 2018 में जो मेरिट बनी थी वो पेपर 150 नंबर का था, लेकिन इस बार जब आप देखोगे 2023 में, तो ये पेपर मार्किंग जो है ना वो 180 नंबर की है। कितने की है? 180। इस बार 30 नंबर क्या हो गए एक्स्ट्रा, तो स्वाभाविक बात है कि अब मेरिट 30 नंबर तो वैसे भी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये जो मेरिट है ये हम आपको बता रहे हैं, एक दो नंबर इधर उधर जा सकती है, मेरिट यही रहेगी। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने इंटरव्यू में और वाइवा की तैयारी में अभी से लग जाओ, क्योंकि बीच में अगर छोड़ते हो तो अकस्मात डेट आती है इंटरव्यू के लिए, तो फिर आप इतनी जल्दी से तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीज़ें वही आएंगी। इस बार क्या हुआ था, मैं आपको पहले पेपर का पैटर्न बता देता हूँ कि शुरू में ये देखा जा रहा था कि हिंदी वाला जो पोर्शन था वो काफ़ी हार्ड आ रहा था। मेरा कहने का मतलब, PRT में 6 से लेकर के 8 तक के भी क्वेश्चन और काफ़ी स्टेटमेंट देखने को मिल रहे थे। जब लगा कि भाई ये हार्ड है तो इन्होंने क्या किया कि मतलब बाजी पलट दी, और बाद के जो शिफ्ट में पेपर थे उसमें पैडागोजी को क्या कर दिया, पैडागोजी को हार्ड बना दिया। तो ये सिलसिला इस बार KBS में देखा गया है, और फिर EBS को हार्ड बना दिया, हिंदी के बाद EBS को, EBS के बाद पैडागोजी को। तो आपने अगर इन तीन सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा किया है तो आपकी मेरिट इसी पर मतलब इसी पर निर्भर रहेगी, क्योंकि रीजनिंग,
कंप्यूटर वगैरह ये तो सब करके आएंगे, लेकिन इस बार इसमें काफ़ी चेंजिंग देखने को मिला है। तो इसमें अगर आप अच्छा करके आते हो, इसकी अगर स्कोर आपका अच्छा रहता है, तो निश्चित रूप से आप जो हम मेरिट बता रहे हैं उसमें एंट्री मार सकते हो। तो देखो 2023 की अगर मैं बात करूँ तो जनरल की मेरिट जो है वो 120 से 130 रहने की उम्मीद है, दो एक नंबर आगे पीछे हो सकता है रिजल्ट जब आए आप देखना। ओबीसी की जो मेरिट है कट ऑफ, वो ये मैं रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे लिखित एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वो 118 से 123, अगर आप इतने पे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी लग जाइए। एससी में अगर आप 115 से 120 के बीच में आ रहे हैं तो आप लग जाइए तैयारी में। एसटी में 110 से 118, और फिजिकल हैंडीकर आपने 85 से 100, और ईडब्ल्यूएस में साथियों 117 से 122 के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो निश्चित रूप से आप इंटरव्यू के लिए क्या है एप्लीकेबल है। साथ साथ अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें आप एंट्री मार रहे हैं तो अभी से लग जाइए बिना कुछ देरी किए हुए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आपका वो भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे अन्य जानकारी भी आपसे इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है, तो इसमें आप कतई भी देरी ना करें, ठीक है ना। और इंटरव्यू की डेट क्या रहेगी ये हम आपके लिए लाते रहेंगे, अभी के लिए अगर आप इसमें एंट्री मारते हो तो आप जरूर तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।